मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट चिड़ियाघर का शुभारंभ होने के बाद नागरिकों का उत्साह देखने को मिल रहा और चिड़ियाघर पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन चिड़ियाघर की क्षमता के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर लोग गाड़ी खड़ा कर चले जा रहे हैं, जिससे सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बुधवार को चिड़ियाघर में उमड़ी भीड़ को संभालने के लिए जब फॉरेस्ट रेंजर ने गाड़ियों को कतार में करने की कोशिश की तो लोग आक्रोशित हो उठे। जब स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि ने चिड़ियाघर के फॉरेस्ट रेंजर से बात करने की कोशिश की तो उसे फॉरेस्ट कर्मियों ने पीट दिया। स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि की पिटाई से नागरिक आक्रोशित हो उठे और इस स्थिति को संभालने के लिए चिड़ियाघर के सुरक्षा गार्ड ने बंदूक में गोली लोड कर ली। भीड़ के दौरान धक्का मुक्की में गार्ड का बंदूक उसी के पैर पर गिर गया और गोली चल गई, जिससे गोली गार्ड के पैर के अंगूठे में लग गई और आनन फानन में उसे एयरपोर्ट स्थित एयरफोर्स हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची रामगढ़ थाने की पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया और चिड़ियाघर में लोगों को आना जाना शुरू हो गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्थानीय नागरिक व पार्षद प्रतिनिधि अरविंद निषाद तथा चिड़ियाघर के डायरेक्टर डी राजा मोहन तथा सीओ कैंट अजय कुमार सिंह ने कहा। लोड नहीं किए हमने, कहा ना कि जरूरत पड़ने पर हवाई फायरिंग का आदेश मिल जाएगा, करेंगे। अच्छा, नहीं तो नहीं करेंगे। बस इसी बीच में घटना हो गई, आप ही के साथ हो गई। सुनिए सुनिए, बाबू मामला यह है जैसे कि भीड़ भड़का ज्यादा लगा था, गांव का लड़का के चोट लग गई तो हमार प्रधान यही ना कहना ऐसा ना गाड़ी सब जने हर लाइन से अंदर खड़ा करा, और वही पर चिड़ियाघर का पुलिस प्रशासन निकल के सारा जितना गांव का लड़के किनारे करावा था सब सब के मार ले घर लग दिन ओमे हम रहली एक लाठी हमके लगा रहा। किसको किसको मार रहे हैं सब? हां मरले बाटे कुलीन अरविंद बाटे पार्षद के, अरे पांच छह लड़कन अरविंद ने साथ लड़के जितने उनके साथ थे सबके मार ले सबके मार ले दो लेडीज मार खा तू लेडीज मार खई ले घर के तनी मार ले के नौकरी के घर से बाहर हम लोग लड़कन के नौकरी चाहिए मन के मार खई ले चले मार नहीं ले अपने हाथ से लोने छोड़ा। हमारा नाम सावित्री है। क्या मामला हुआ, कहां झगड़ा हुआ? आज झगड़ा है भाई, लड़के भीड़ वाले हटाओ तला वही पर लगले है कुल मारे सब के मारे पुलिस पुलिस अंदर का पुलिस मारा है चाचा मारा है चिड़ियाघर चिड़ियाघर का चिड़ियाघर का भैया यह लड़का मार खाई लेवा। क्या मांग कर रही है? मांग कर रहे हैं कि उसे हटा दीजिए। अरविंद कुमार, आज जो चिड़ियाघर पे जो है लगभग 10 बजे जो है ये रेंजर सुनील राव अपने साथियों के साथ आया और मुझे मारने पीटने लगा।
मैं वहाँ पे कल से ही जो है वो टिकट ब्लैक कर रहा है जो है, और गाड़ियों को रोड पे ही लगवा के जाम कर रहा है जो। मैं गया क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते, मैं गया पूछने कि क्या बात है, क्यों आप लोग भीड़ लगाए हैं। उसके बाद वो लगा मुझे गाली देने, और मैंने बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में पार्षद प्रतिनिधि भी हूँ। उसके बाद मेरा कॉलर पकड़ लिया और मुझे मारने लगा। उनके साथ अभिषेक कुमार और आज़ाद, ये लोग भी जैसे मारने लगे, और लोगों के एक दो लोग और भी थे, उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, और लगे मुझे लाठी डंडा से मारने, जिससे मेरा हाथ भी क्रैक हो गया है और पैर में भी चोटें आई हैं। और आए दिन जैसे ये दारू के नशे में बिल्कुल एकदम होश नहीं है, खड़ा नहीं हो पा रहा था, उस स्थिति में ये जो लगा मुझे मारने पीटने जो। कल भी दारू के नशे में जैसे वो किया था जो है, और वो आए दिन दारू के नशे में रहता है और विवाद करता रहता है जो। कल भी चिड़ियाघर पे विवाद कर दिया था जो, और हमारी मांग है कि उसके खिलाफ़ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उसको सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए। उसके खिलाफ़ मैंने तहरीर थाने पे दे दिया है और मुकदमा दर्ज होने के लिए जो है, और मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी करके उसको निलंबित करवाएंगे। इसको जो सैनिक कल्याण बोर्ड से अधिकारी से बात करवा रहा है उनका, क्योंकि वो लोग ट्रेंड है, उनका ट्रेंड है, हम लोग कोई ऐसे आदेश नहीं दिया गया है, उनको बाप बुला करके उनको संज्ञान में ले आएंगे और ऐसे गार्ड को हम बदलवा देंगे। सुबह कुछ पार्किंग और उस जगह पे कुछ विवाद हुआ है, उसमें हमारा रेंजर गया है और कुछ लोगों का है, वो विवाद ज़्यादा हो गया, और बाकी तो हम लोग पता करवा रहे हैं, और तुरंत रामगढ़ थाना से पुलिस भी पहुँच गया। इसको शाम तक उसमें मालूम पड़ेगा क्या किसकी तरफ से गलती है क्या है, हम इसमें इंक्वायरी में लगा हुआ है। वो सैनिक कल्याण बोर्ड से रिटायर्ड आर्मी मिलिट्री मैन को लगाया गया है, कोई आदेश किसी को नहीं दिया गया है, उनका वो सेल्फ वेपन है। वो हम लोगों को दो तरह का गार्ड मिला है, एक तो आर्म्ड गार्ड और आर्मलेस गार्ड। आर्म्ड गार्ड को हम गेट में लगा रखा है, ये एक फ्रीक एक्सीडेंट है और इसी का भी इंक्वायरी करवा रहा है। फायर नहीं हुआ है, वो उनका गिर गया ना, गिर वो बता रहा है गिर गया, इसको इंक्वायरी करवा रहा है। वो रेंजर तो रेगुलर डिवीजन में वर्क कर रहा था, वो कभी चिड़ियाघर में वर्क नहीं किया गया, अब मेरा जानकारी में नहीं है। आज चिड़ियाघर पर गनमैन शशिकांत मिश्रा पुत्र त्रिवेणी मिश्रा निवासी बिदौलिया भटनी जिला देवरिया का सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक गेट नंबर 1 पर ड्यूटी लगी हुई थी। उसके पास लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक थी, वो अचानक कंधे से छिटक कर नीचे गिर गई, जिससे फायर हो गया और उसके दाहिने पैर के अंगूठे में चोट लग गई। अन्य कोई घायल नहीं हुआ, उसको तत्काल एयरफोर्स के अस्पताल भेजा गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है, उसके लाइसेंसी 12 बोर बंदूक को कब्जे में ले लिया गया है, इसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।